द टॉपिक इज स्कूल हेल्थ सर्विसज जैसे कि इसमें लिखा है स्कूल चिल्ड्रन एज पंद्रह से सत्रह साल के बीच वाले जो है हमारी पॉपुलेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है हमारी पॉपुलेशन का ठीक है नेक्स्ट पॉइंट एज दे आर वल्नरेबल एंड एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड प्रोन टू गेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम वल्नरेबल मतलब होता है वीक होते हैं और इनको ईजिली जो भी इन्फेक्शन वगैरह है ईजिली एफेक्ट कर सकता है अब नेक्स्ट पॉइंट में बोला है जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर होती है जो स्कूल चिल्ड्रन्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि जो उनका हेल्थ है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें और मेंटेन कर सकें और डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें अब कोई सा भी टॉपिक होता है तो उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं तो इसमें पहला एम है कि क्रिएट कॉन्शियसनेस टूवर्ड हेल्थ अमंग स्टूडेंट्स स्कूल चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सेकेंड है प्रोवाइड एंड प्रमोट हेल्थ इन्वायरमेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन थर्ड है इन्वॉल्व टीचर पेरेंट्स स्टूडेंट इन हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस टॉपिक का प्रिंसिपल क्या है पहला है बेस्ड ऑन कम्युनिटी हेल्थ सर्विस नेक्स्ट है ऑन गोइंग और कंटिन्यूस होनी चाहिए थर्ड है कम्युनिटी के पीपल्स को इन्वॉल्व करो चिल्ड्रंस को और पेरेंट्स को और टीचर को इन सबको इन्वॉल्व करना है ठीक है नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की नीड पे बेस्ड होना चाहिए नेक्स्ट है इफेक्टिव रिपोर्टिंग एंड स्पोर्टिंग हम नेक्स्ट देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के पहला है हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज होनी चाहिए जिसके अंदर आता है होलसम एंड सेफ स्कूल इन्वामेंट नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सर्विसेज फिर है प्रमोशन ऑफ़ फ़िजिकल एंड मेंटल हेल्थ फिर है इम्यूनाइजेशन फिर है थिर हेल्थ एजुकेशन फिर सेकेंड पॉइंट है थेरापेटिक सर्विसेज जिसके अंदर आता है हेल्थ अप्रेजल बाय पीरियॉडिक एग्जामिनेशन फर्स्ट एड्स फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केयर करना है स्पेसलाइज हेल्थ सर्विसेज है थर्ड पॉइंट है रिहाबिलिटेशन सर्विसेज फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ठीक है और फोर्थ पॉइंट है स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स